और देखिए बच्चों, अब इसमें इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया हुआ है फूड हैबिट। हैबिट का क्या सेंस है? हैबिट का मतलब होता है आदत, मतलब हम डेली क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं। हैबिट मतलब, हैबिट का मतलब आदत होता है ना। तो देखिए फूड हैबिट का, जैसे है ना कि कुछ लोगों को फास्ट फूड बहुत पसंद है, हर समय फास्ट फूड खाते हैं, जैसे कुछ लोगों को नहीं पसंद है तो लोग नहीं खाते हैं। तो ये सब किस में आएगा? हैबिट में आएगा। तो आपको फूड हैबिट में देखना है, आपके बुक में दिया हुआ है कि पहले फूड हैबिट कितने तरीके के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स में कौन कौन आते हैं? तो इसमें वो लिविंग बींग्स आते हैं, वो एनिमल्स आते हैं, या वो भी आ सकते हैं जो एनिमल्स नहीं हैं लेकिन मीट मछली नहीं खाते हैं, नॉनवेज उनका मतलब चिकन, एग, मटन एक्सेट्रा एक्सेट्रा नहीं खाते हैं। दैट मीन्स दे कंज्यूम ओनली एंड ओनली ग्रीन प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट, दोज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। आपको एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे काउ, गोट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये होगा हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स का क्या मतलब है? कि वो लोग प्लांट प्रोडक्ट्स पे नहीं डिपेंडेंट रहते हैं, है ना, वो फ्लैश खाते हैं, फ्लैश फ्लैश मतलब मांस खाते हैं, है ना। तो वैसे को क्या बोलते हैं? वैसे को बोलते हैं कार्निवोर्स, है ना, उन लिविंग बींग को कार्निवोर्स कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप देखिए टाइगर, लायन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स का मतलब होता है बच्चों कि इसमें दोनों तरह के, दैट मीन्स वो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं इंडिविजुअल्स और फ्लैश भी खाते हैं, मतलब इसमें जो भी लिविंग बींग्स आते हैं, इस ग्रुप में जो भी लिविंग बींग्स आते हैं वो दोनों कंज्यूम करते हैं, ग्रीन प्लांट्स, प्लांट्स प्रोडक्ट भी, एनिमल्स प्रोडक्ट भी, और एनिमल्स को भी खाते हैं, है ना। तो दोज आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, जैसे बियर, क्रो, और ह्यूमन बींग भी तो आता है इसमें, आता है ना। तो ठीक है, तो ये है फूड हैबिट का तीन एग्जाम्पल। अब देखिए नेक्स्ट आपके बुक में दिया हुआ है कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड, मतलब फूड में क्या क्या होता है, फूड के इम्पॉर्टेंट पार्ट को ही कंस्टिट्यूएंट करते हैं बच्चों। तो जैसे देखिए हमारे, हम ना सिक्स टाइप के कंस्टिट्यूएंट हमारे फूड में होता है या हम कंज्यूम करते हैं। सबसे पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ से थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है इसलिए मैं पॉज करके लिख रही हूँ स्टूडेंट्स। देखिए कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फूड में आप देखिए मैंने लिखा है कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और ये कार्बोहाइड्रेट बनता कहाँ है? प्लांट्स के लीफ में, लीफ पार्ट में। फोटोसिंथेसिस का नाम सुने हैं ना आप लोग? फोटोसिंथेसिस दैट मीन्स द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रोड्यूस और प्लांट मेक देयर ओन फूड, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एयर एंड वाटर, दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मीन्स मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट प्लांट के द्वारा लीफ में प्रोड्यूस किया जाता है, है ना। तो इसके ये मैंने क्या लिखा है, मतलब ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मैं शॉर्ट में लिखी हूँ, इन्हीं तीनों से मिलके कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से मिलके कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसको शुगर भी कहते हैं, ग्लूकोज भी कहते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर देखें, जैसे सेलुलोज, स्टार्च, शुगर। सेलुलोज, ये देखिए सेलुलोज जो है ना वो प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है, आप नहीं समझेंगे सेल और सेल वॉल क्या होता है, आप ये समझिए कि प्लांट में पाया जाता है। स्टार्च, स्टार्च का मतलब है कि ये शुगर का मॉडिफाइड फॉर्म है, मतलब चेंज्ड फॉर्म है। ये स्टार्च के रूप में ही प्लांट अपने बॉडी पार्ट्स में आप फूड को स्टोर करते हैं। तो मतलब ये ग्लूकोज ही है बट थोड़ा सा चेंज्ड फॉर्म में है, थोड़ा मॉडिफाइड है। शुगर तो आप सब जानते हैं। तो ये हमारे फूड का क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फैट। फैट तो आप सब जानते हैं, आप सबको बटर घी बहुत पसंद होगा। यहाँ पे देखिए फैट किससे बना है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यहाँ पे भी तो बोलोगे वही लिखे हैं आप, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सीक्वेंस चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? जब आप बड़े क्लासेस में जाओगे ना सीनियर, तब आपको समझ में आएगा। सीनियर क्लासेस में इसकी बातें आपको बताई जाएंगी। तो मैं बता रही थी कि दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे फूड का वो है फैट। और फैट का एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है बटर, घी, ऑयल, मिल्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का बना होता है। और ये ना एनर्जी गिविंग फूड है। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है ना एनर्जी गिविंग फूड होता है, जिससे कि हम काम करते हैं। एनर्जी के बारे में मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। ये फैट जो होता है ना, इसका डाइजेशन ये लंबे टाइम में होता है कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में।
ठीक है, तो ये हो गया आपको कार्बोहाइड्रेट फैट, फैट का एग्जांपल आप समझ गए। नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट क्या दिया हुआ है फूड का, प्रोटीन। प्रोटीन में एक डिफरेंस आ गया, देखिए प्रोटीन भी आप लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन देखिए इसके कंस्टिट्यूशन मतलब इसके बनावट में, कंस्टिट्यूशन में, इसके और इसमें दोनों में अंतर आ गया। इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसमें ये तीनों तो है, प्लस नाइट्रोजन भी ऐड हो जाता है, तो इन सब के समूह को क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। और प्रोटीन तो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है आप सबको पता है, मिल्क, एग, मीट, फिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना, तो इससे हमें प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन को कहा जाता है ना मतलब ये बॉडी को हमारे इनलार्ज होने में, डेवलप होने में हेल्प करता है, बॉडी बिल्डिंग कहते हैं इन सारे फूड को, हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि हमको ग्रोथ होने में, जैसे मान लो आप छोटे हो तो एक दिन बड़े हो जाओगे, तो बड़े हो जाओगे तो आपके बॉडी को ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए, इसमें से किस टाइप के फूड चाहिए, तो प्रोटीनस फूड चाहिए, है ना, इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। इन दोनों को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं और आपके बुक में क्या दिया हुआ है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट आपके बुक में दिया हुआ है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होता है भाई, तो ये भी हमारे फूड का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कंस्टिट्यूएंट है, और ये हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरत होता है, मतलब ये ना रहे तो इंसान बीमार पड़ जाए, बीमार पड़ना फिक्स है। अभी आजकल आप लोग सुन रहे हो ना कोरोना वायरस में विटामिन सी लेना है, तो सोचो कि विटामिन सी कितना इम्पॉर्टेंट है, कोरोना वायरस में भी इसकी ज़रूरत पड़ रही है, मतलब इस आप ये समझे ना, इससे ये समझे ना कि बीमारी से बचने के लिए या ओवरकम होने के लिए विटामिन्स की आवश्यकता हमारे बॉडी को होती है। विटामिन्स को मैंने लिखा है दो तरह का होते हैं, देर आर टू काइंड ऑफ द विटामिन्स, दे आर द फैट सोलेबल एंड वाटर सोलेबल। आपको ये सब बाद में पढ़ना है, बट जानिए कि फैट सोलेबल मतलब वाटर सोलेबल, और फैट सोलेबल मतलब जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है वो वाटर सोलेबल होता है, है ना, जो फैट में सोलेबल होता है फैट सोलेबल होता है। तो इसका एग्जांपल मैंने अलग से नहीं लिखा है यहाँ पे, मतलब जितने तरह के एक कॉमन विटामिन्स का नाम होता है मैंने वो लिखा है। तो देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, बी के भी टाइप्स होते हैं जैसे B1, B2, B6, B12 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, और भी बहुत तरह के होते हैं, कम से कम 20 टाइप्स के विटामिन्स हैं जो होते हैं और हम लोग किसी ना किसी तरह से उसको यूज करते हैं। तो हम विटामिन्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम अब डिजीज़ फ्री रहना चाहते हैं, या हमारे बॉडी को डिजीज़ फ्री रहने के लिए विटामिन्स की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, अब इसका यदि फूड आइटम्स आपको जानना है कि किस किस फूड में पाया जाता है ना, तो आपके बुक में लिस्ट दिया हुआ है विटामिन्स में किस फूड में कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं, ये आपके बुक में दिया हुआ है। जैसे स्पिंच, कैरोट, पम्पकिंस, बटर, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा, तो इसमें कौन सा विटामिन पाया जाएगा, विटामिन ए पाया जाएगा। ठीक है, और इससे इसके नहीं रहने से मतलब विटामिन की यदि कमी हो जाए, विटामिन ए की हमारे बॉडी में लैकनेस हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या होगा, आई प्रॉब्लम हो सकता है, साइट प्रॉब्लम हो सकता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दूर नज़दीक का देखने की समस्या हो सकती है, साइट प्रॉब्लम मतलब, है ना। तो ये आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 21 में, ज़रा सा आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब ये भी हमारे फूड का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये हमें जैसे इसका एग्जांपल मिनरल्स का कहने से नहीं समझ में आया, आप समझिए यहाँ पे मैंने लिखा है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, बहुत सारे हैं जैसे मिनरल्स के, बहुत सारे एग्जांपल हैं फॉस्फोरस, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब का भी मतलब कम मात्रा में चाहिए हमारे बॉडी को, बट चाहिए ही चाहिए। जैसे पोटेशियम, कैल्शियम से हमारा बोन स्ट्रांग होता है, जैसे सोडियम, जैसे कैल्शियम से हमारे मसल्स को भी चाहिए होता है अच्छे से हेल्दी रहने के लिए, शाइनी शाइनी रहने के लिए, हमारा स्किन को शाइन करने के लिए क्या चाहिए, विटामिन के तो चाहिए ही चाहिए, प्लस और भी तरह के जैसे बाकी सब जो होते हैं ना मिनरल्स, वो सब चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब हम हेल्दी रहें तो इसलिए हमको ये सब चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। और मिनरल्स कहाँ से मिलेगा, किस फूड आइटम से मिलेगा, वो मैं बताती हूँ, आपके बुक में भी दिया हुआ है।
जैसे जैसे जितने भी सीरियल्स हैं, देखिए सीरियल्स हैं या मिट्टी के नीचे जो ग्रो होने वाले वेजिटेबल्स हैं या एडेबल आइटम्स हैं, उन सब में तो पाया ही जाता है। उसके बाद भी मतलब इसका जो मिनरल्स का जो क्वांटिटी है वो पल्सेस में, मीट में, लीफी वेजिटेबल्स में, एग्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा में पाया जाता है। मिनरल्स वाटर पानी में भी पाया जाता है, जो बोरिंग वाटर हम निकालते हैं डायरेक्ट बिना फिल्टर किए पीते हैं, जैसे एक्वा से और भी बहुत तरह का होता है ना, तो उन सब का पानी नहीं, डायरेक्ट जो बोरिंग से निकाल के पीते हैं उसमें भी मिनरल्स डिजोल्व फॉर्म में रहता है। जो हम पीते हैं तो हमें नेचुरली मिल ही जाता है। तो इस तरह से आपने समझा कि देयर आर सिक्स कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फूड। सिक्स, छठा में आएगा आपको वाटर, है ना। पानी भी हमारे मतलब फूड का इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, पार्ट है, उसके बगैर तो कुछ संभव ही नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।